सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम पेपर फर्स्ट में पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो मैं हर बार आपको एक बात कहता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों आज ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी एक बेसिक वीडियो है। इसके बारे में हम जो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम है उसके बारे में बेसिक चीज़ें करने वाले हैं, और इसमें से आज तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आज तक मैंने नहीं देखे, लेकिन फिर भी हमें बेसिक नॉलेज के लिए इन सभी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि इकोसिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम क्या क्या चीज़ें होती है, तभी हम आगे की जो वीडियो है वो पूरे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप यूजीसी नेट एग्जाम में 5 या 10 नंबर से रह गए हो, और दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि अब की बार भी दोबारा फिर से आप 5 या 10 नंबर से फेल हो जाए नेट या जेआरएफ लेने में? दोस्तों आप ये ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं चाहेंगे, और अगर ऐसा किसी भी दोस्त के साथ होता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है हमें। तो दोस्तों देर किस बात की, इस दीपावली के शुभ अवसर पर हमने आप सभी के लिए एक 20 डेज क्रैश कोर्स निकाला है। इस कोर्स में दोस्तों हम आपको पेपर फर्स्ट के सभी 10 यूनिट की अच्छे से स्टडी करवाएंगे, 10 यूनिट पीडीएफ स्टडी नोट्स देंगे, और दोस्तों इसके अंदर हम आपको 20 दिन के अंदर पूरा का पूरा रिविजन करवाएंगे हर एक यूनिट का। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2019 तक ओल्ड पेपर पीडीएफ देंगे, जिसके अंदर आपको दोस्तों टॉपिक वाइज ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जैसे कि आज तक जितने भी रिसर्च के क्वेश्चन आए वो हमने अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के जो आए वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के अलग रखे हैं, इस तरीके से 10 की 10 यूनिट के हमने टॉपिक अलग कर रखे हैं। दोस्तों उनको देख के आप बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको थ्योरेटिकल नोट्स और थ्योरेटिकल वीडियो देखते हैं, उनसे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको इस पेड कोर्स के अंदर यह बताते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर हर बार आते हैं, और कई क्वेश्चन तो ऐसे दोस्तों जो जून 2019 एग्जाम में और दिसंबर में और पहले भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी आए, उनकी स्टेटमेंट और ऑप्शन भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी होते हैं। दोस्तों अगर हमें इन ऐसे क्वेश्चन का पता चल जाता है तो हम बिल्कुल आसानी से अपना नेट प्लस जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, और हर बार जो 5 या 10 नंबर से रहते हैं वो डर हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप हमें किस तरह से ज्वाइन करना है वो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, उस मैसेज में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस क्रैश कोर्स के अंदर क्या क्या आपको सुविधाएं मिलने वाली है, ये कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है, इसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों अभी से शुरू हो गया, आप हमें जल्द से जल्द मैसेज कीजिए इसके ऊपर, और हम आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता देंगे कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, कैसे आपको वीडियोज मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। देखिए पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं, और जो दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हिंदी में हम बात करें तो परि जो हमारे चारों ओर है उसका मतलब है परि, और आवरण जो है यानी कि जो हमने ओढ़ रखा होता है, यानी कि जो हम जिसके चारों ओर से हम घिरे हुए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पर्यावरण। और देखिए अगर सिंपल भाषा में समझे तो पर्यावरण का मतलब ये होता कि हमारे आसपास सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं वो पर्यावरण के अंदर आती है, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे कैसी भी हो, हमारे चारों ओर चाहे लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, सभी को हम इंक्लूड करते हैं पर्यावरण के अंदर। अब देखिए जो पर्यावरण है वो काफ़ी चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो सभी हम आगे समझेंगे। और दोस्तों अगर आप चाहे तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, हमने इंग्लिश में भी ये दिया हुआ है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण के क्या क्या कंपोनेंट है और किससे बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आया था पहले, इसमें ये पूछा हुआ था कि पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द किसने इजाद किया था, किसने बनाया था, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था, तो वो हम ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है। अब इसके अंदर देखिए ये क्या होता है, एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीव, जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर सभी जीव जंतु शामिल है उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, जिनके अंदर सजीव चीज़ें शामिल हो और उसके चारों ओर कुछ भी चीज़ें हो सकती है। चलिए इसे हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, जो कि अपने अजैविक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। और इसके अंदर जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ, जैसे कि ये खरगोश हो गया, खरगोश के चारों ओर सभी तरह की चीज़ें जैसे नॉन लिविंग थिंग है, जैसे ये मिट्टी है यहाँ पे और ये पेड़ पौधे हैं, ये सभी चीज़ों का यूज करके ये खरगोश है, ये अपना जीवन यापन कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। और यहाँ पे हमने जैसे इंग्लिश में भी दिया है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है,
इकोसिस्टम का नाम सर्वप्रथम ए जी टेंस्टले ने 1935-56 के अंदर दिया था। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले आ चुका है एक बार कि इकोसिस्टम नाम किसने दिया था, तो किसने दिया था, ए जी टेंस्टले ने दिया था। उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी तरह के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इकोसिस्टम को अलग अलग नामों से पुकारा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी को पढ़ लेना दोस्तों, फिर भी आप एक बार इसे ज़रूर देख लेना। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे इकोसिस्टम के जो नाम है उसको अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं, तो अब इकोसिस्टम को और भी थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात इको जिसका अर्थ है पर्यावरण, जो ग्रीक शब्द ओइकॉस का पर्याय है जिसका अर्थ है एक घर, और दूसरा है सिस्टम जिसका अर्थ है व्यवस्था या अंतर संबंध, यानी कि पर्यावरण का अंतर संबंध हम कह सकते हैं। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ है दोस्तों। और अब इकोसिस्टम, जैसे कि हमने बात की, ये काफ़ी तरह की चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो वो सभी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अजैविक या भौतिक पर्यावरण, इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो अबायोटिक और फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले आता है स्थल मंडलीय पर्यावरण आता है, उसके बाद में आता है हमारे पास वायुमंडलीय पर्यावरण, और फिर आता है जल मंडलीय पर्यावरण आता है। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद में दोस्तों जैसे कि हमारे पास आता है जैविक पर्यावरण, यानी कि लिविंग थिंग का जो पर्यावरण होता है वो, यानी कि बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसके अंदर क्या आता है, वनस्पति पर्यावरण आता है, जंतु पर्यावरण आता है इसके अंदर। अब हम जैसे बात करें कि अजैविक पर्यावरण है, अजैविक पर्यावरण क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अजैविक पर्यावरण के अंदर दोस्तों हमारी जलवायु भी आ सकती है। जलवायु जैसे कि हम बात करें कि कहीं पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, अजैविक पर्यावरण कहेंगे। और जैसे कि हमने बात की थी कि जो हमारा अजैविक पर्यावरण है वो किस किस से मिलकर बना है, मृदा हो गया, वायु हो गया, जल इत्यादि हो गया, तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल की, यानी कि एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। अब वायुमंडल के अंदर काफ़ी तरह की गैसें होती हैं और हम सभी ओर से लगभग गैसों से घिरे हुए हैं, और इसके अंदर दोस्तों उपस्थित गैसें पौधों के प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, जीव व वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक स्रोत है। तो जो हमारी गैसें हैं दोस्तों वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमें जीने के लिए, और जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है। और जो हमारा वायुमंडल है दोस्तों उसको कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है, और वायुमंडल के जितने भी भाग हैं, जितने भी पार्ट हैं, वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे कि हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल से और भी काफ़ी तरह की चीज़ें होती है, जैसे हमारा जीवन चक्र चलता है, शारीरिक जो बनावट होती है वो भी हमारी इसी के ज़रिए होती है। और आगे हम जैसे बात करें कि जल की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर हमारी पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा वाटर है। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है दोस्तों, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। हमारा वाटर है, वाटर को हम कई तरह से अलग अलग रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों जो हमारा जल होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होते तथा कुछ मात्रा में अन्य गैसें भी आंशिक रूप से पाई जाती है, जैसे कि किसी तालाब के अंदर गंदा तालाब है उसके अंदर वाटर गया तो उसके अंदर और गैसें भी सम्मिलित हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो नोट्स है हमारा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में हमने पढ़ी है, वही सारी चीज़ें हैं। मिट्टी क्या होती है, पानी क्या होती है, मृदा क्या होती है, सारी चीज़ें वही है दोस्तों। और जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मिट्टी की बात कही है, अब देखिए जो मिट्टी जो होती है वो हमारी धरती के सबसे ऊपर की जो परत होती है वो होती है, और इसमें काफ़ी तरह के खनिज पदार्थ हम उगाते हैं, फसलें वगैरह उगाते हैं।
मिट्टी में दोस्तों जैसे कि हम फसल वगैरह उगाते हैं और इससे हम क्या करते हैं, अपना भोजन पकाते हैं, इससे हम वस्त्र यानी कि कपड़े बनाते हैं और भी काफ़ी तरह की चीज़ें हम मिट्टी के जरिए बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जैविक संगठक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं पादप, फिर जीव और फिर सूक्ष्म जीव। अब बात करते हैं जैसे पादप, पादप क्या होता है, प्लांट होता है हमारे पास। अब देखिए इसके अंदर जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित होती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें पता है दोस्तों ज़्यादातर अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये अपने आप अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं यानी कि सेल्फ फंडेड कहते हैं। अब आगे है दोस्तों हमारे पास जीव। अब देखिए जीव काफ़ी तरह के हो सकते हैं, वो स्वपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना खुद का भोजन खुद बनाए, और परपोषी क्या है कि वो अपना भोजन किसी और पे निर्भर होके प्राप्त करे। देखिए ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि अधिकांश जीव परपोषी होते हैं यानी कि वो दूसरे पे निर्भर होते हैं। स्वपोषी जीव अपने आहार का निर्माण स्वयं करते हैं, परपोषी जीव अपने आहार हेतु अन्य साधनों पर निर्भर रहते हैं। और उसके बाद में जैसे कि इनके जीवों के बारे में हम बात करें तो जीव भी काफ़ी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मर्त जीवी। मर्त जीवी हम किन्हें कहते हैं, जो जीव मर्त पौधे यानी कि जिनकी डेथ हो गई, जिन पौधों की डेथ हो गई या जीव जंतु की डेथ हो गई है, वो उनको खा के अपना जीवन चक्र चलाते तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मर्त जीवी कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास परजीवी, वे जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और प्राणी संभोजी, अब ये देखिए ये किस तरह के होते हैं, वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, सभी बड़े जंतु इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। और उसके बाद में जैसे हम बात करें सूक्ष्म जीवी की, सूक्ष्म जीवी क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारे जिस तरीके से बैक्टीरिया वगैरह हो गए यानी कि बहुत छोटे 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 जो जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये जैसे कि कोई पौधा है वो डेथ होगी उस पौधे की या फिर कोई जीव जंतु उसकी डेथ होगी तो उसको गला सड़ा के उस जो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसके बाद में जो अपना भोजन तैयार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीवी कहते हैं। और उसके बाद में एक और जो चीज़ हमारे पास इम्पोर्टेंट आती है दोस्तों वह है हमारे पास ऊर्जा संगठक आते हैं। अब देखिए ऊर्जा संगठक का मतलब ये है कि जो जैसे हम सूर्य है, सूर्य से हम अपनी ऊर्जा बना रहे हैं, जैसे कि हमारे पास चुंबक है, चुंबक से भी काफ़ी तरह की एनर्जी बनाई जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा संगठक कहते हैं। और आजकल जैसे कि हमने देखा कि पवन चक्कियों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा बनाई जाती है तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा संगठक कहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आज वैसे कोई खास वीडियो नहीं थी, बस नॉर्मल वीडियो थी हमें आगे की चीज़ें समझने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।